गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले वीडियो में जैसा कि हम आप लोगों ने देखा था कि हम लोग पोएम पढ़ रहे थे माई लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। उसका फर्स्ट स्टेंजा मैंने पढ़ा दिया था, आप लोगों ने उसको देखा भी होगा। नेक्स्ट स्टेंजा की अब हम बात करेंगे जो कि स्टार्ट हो रहा है, सर इट वॉज नॉट सी। तो इन दीज लाइन्स ए टिपिकल इटालियन ड्यूक ऑफ मिडिल एजेस सफरिंग फ्रॉम फीलिंग ऑफ जेलसी, नोट दिस पॉइंट, सफरिंग फ्रॉम फीलिंग ऑफ जेलसी, सस्पिशंस एंड वैनिटी, गॉट हिज वाइफ किल्ड। उसके अंदर ईर्ष्या की, शंका की, घमंड की, इस प्रकार की भावनाएं हैं। हम यहाँ नोट करेंगे, यहाँ पर ड्यूक के कैरेक्टर के हमारे पास तीन पॉइंट निकल के आ रहे हैं। ईर्ष्यालु पर्सन एक, शंकालु पर्सन दूसरा, घमंडी व्यक्ति जिसने अपनी पत्नी को मरवा दिया है। ही डिड नॉट लाइक द जेनरस एंड रेस्पॉन्सिव डिस्पोजिशन ऑफ हिज वाइफ, मीन्स वो अपनी पत्नी के उदार और प्रतिउत्तर देने वाली, जिम्मेदारी लेने वाली पत्नी के व्यवहार को पसंद नहीं करता है। उसकी पत्नी, अब हमारे पास शुरू हो रहा है उसकी पत्नी का अर्थात डचेस का कैरेक्टर स्केच। दो पॉइंट हमारे पास आ गए हैं, शी वॉज जेनरस एंड रेस्पॉन्सिव। उसके बाद हम कहना चाहेंगे शी वॉज ए फ्रेंक एंड चार्मिंग वूमेन, बहुत ही स्पष्टवादी, आउट स्पोकन और आकर्षक महिला थी जो कि हमेशा हर चीज़ को देखकर मुस्कुराती रहती थी। द ड्यूक इज एक्सप्लेनिंग द मिस्ट्री ऑफ द हैप्पी इन दिस स्टेंजा। द ड्यूक इज स्पीकिंग अबाउट द मिस्ट्री ऑफ द हैप्पी स्पॉट ऑन हर फेस इन द पोर्ट्रेट टू द एनवॉय ऑफ द काउंट हु सीम्ड टू हिम टू बी क्यूरियस अबाउट इट। ऐसा लग रहा है जैसे कि ड्यूक ये सोच रहा है कि जो दूत आया है वो भी उसकी पत्नी के उस चित्र को देखने के लिए तत्पर हो रहा है, बहुत ही उत्सुक हो रहा है। तो अब यहाँ पर ड्यूक जो है वही बोल रहा है जैसा कि मैंने बताया था, मोनोलॉग में सिर्फ ड्यूक को बोलने की ही, एक व्यक्ति को बोलने की ही अनुमति होती है। दूसरा व्यक्ति जो खड़ा होता है वो या बैठा होता है उसको सिर्फ और सिर्फ सुनने की अनुमति होती है, वो सिर्फ सुन ही सकता है। ड्यूक टेल्स द एनवॉय दैट द स्वीट स्माइल्स ऑफ द लेडी वर नॉट रिजर्व फॉर द हस्बैंड अलोन, अर्थात उसके जो ये मुस्कुराहट का चिन्ह है चेहरे पर वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसका वहाँ पर पति खड़ा हुआ है। द ड्यूक एक्सप्लेन्स वाई द पोर्ट्रेट ऑफ द डचेस हैज ए ब्लश ऑफ हैप्पीनेस। अब वो स्पष्ट कर रहा है कि ये जो मुस्कुराहट का निशान उसके चेहरे पर आया है वो जो है वो किस कारण से आया है। मैनी पीपल थिंक दैट दिस ब्लश कम ऑन हर चीक्स, कि ये जो निशान उसके चेहरे पर आया है, जो उसके गालों पर आया, बिकॉज द ड्यूक वॉज हिमसेल्फ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द पेंटिंग, कि ऐसा लगता है कि जब ये पेंटिंग बना रहा था पेंडोल्फ फ्रॉ, तो उस समय शायद उस समय वहाँ पर उसका हस्बैंड उपस्थित था, लेकिन ड्यूक जो है वो इस बात को क्लियर कर देता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। द ड्यूक टेल्स हिम दैट, ड्यूक उसको बताता है द डचेस वॉज सो सिंपल एंड इनोसेंट। नेक्स्ट पॉइंट आ गए कि शी वॉज वेरी सिंपल एंड इनोसेंट, वो बहुत ही उदार और भोली महिला थी, इतने ज़्यादा कि शी वॉज ईजीली प्लीज्ड, बहुत जल्दी खुश हो जाया करती थी, एंड स्माइल और मुस्कुरा दिया करती थी एट एवरी लिटिल थिंग्स, हर छोटी छोटी चीज़ों पर। ही नाउ अगेन एक्सप्लेन्स द एनवॉय दैट द रेडनेस ऑफ हर फेस इन द पोर्ट्रेट वॉज नॉट बिकॉज ही वॉज प्रेजेंट देयर, द रीज़न इज अदर। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि यदि मान लीजिए, छोटा क्वेश्चन आता है कि वाई वॉज देयर ए स्माइलिंग स्पॉट ऑन द चीक्स ऑफ द लेडी, तो आंसर होएगा कि देयर आर अदर रीजन्स, नॉट द प्रेजेंस ऑफ हर हस्बैंड, अदर रीजन्स फॉर दैट स्पॉट, उस निशान के अन्य कारण रहे हैं, देयर वॉज सम अदर रीजन्स ऑफ इट। परहैप्स अब वो उनको एक्सप्लेन करेगा कि कैसे, परहैप्स सम कंप्लेंट बाय द आर्टिस्ट ओकेजन्ड दैट हैप्पी स्पॉट ऑन हर फेस, शायद
ऐसा लगता है कि जो कलाकार था उसने कुछ कॉम्प्लीमेंट दिए होंगे, कुछ उसको बधाइयाँ दी होंगी कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो वगैरह वगैरह। द आर्टिस्ट माइट हैव कॉम्प्लीमेंटेड ऑन हर ड्रेसेस, हो सकता है जो कलाकार था उसने उसकी पोशाक का भी बधाइयाँ दी हों, कहा हो तुम्हारी पोशाक बहुत अच्छी लग रही हो। ही माइट हैव सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल, और हो सकता है कि उसने ये भी कहा हो कि ये असंभव है टू कैप्चर इन पेंटिंग द पेंट ट्रेस ऑफ ए ब्लश, कि उसके चेहरे पर ये फीका सा जो निशान है मुस्कुराहट का इसको वो पेंटिंग में उभार नहीं सकता है, उसको ये पेंटिंग में नहीं बना सकता है। और द लाइट रेड थिंग दैट सीम्ड टू फ्लश हर थ्रॉट, और ये जो लाल लाल निशान है उसके गले पर ये भी चित्रकारी में नहीं बनाया जा सकता है। द पेंटर मेंट दैट, कलाकार का ये मतलब है कि द ब्लश वॉज सो ब्यूटिफुल, कि उसकी ये मुस्कुराहट उसकी ये शर्माहट इतनी खूबसूरत थी, एंड सो इवन सेंट दैट इट वॉज इम्पॉसिबल, कि वो इतनी मधुर थी कि असंभव था टू कैप्चर इट ऑन कैनवास, कि उसको पटल चित्र पर वो उतार सके। अब हमारे पास कारण आ गए हैं कि ये निशान क्यों थे, कि हो सकता है कलाकार ने कहा हो कि तुम बहुत खूबसूरत हो, कलाकार ने कहा हो कि तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी है, या तीसरा रीज़न कलाकार ने कहा होगा, पेंटर ने कहा होगा कि उसके ये जो निशान हैं उसको मैं पेंटिंग में नहीं बना सकता हूँ या नहीं उभार सकता हूँ। द ड्यूक टेल्स द एनवॉय दैट दीज रिमार्क्स अबाउट हिज डेड वाइफ वर मेयरली एक्सप्रेशन ऑफ कर्टसी, उसने कहा ये जो निशान आए हैं चौथा कारण सिर्फ और सिर्फ शिष्टाचारवश हैं, कि हम भी जानते हैं कि इट इज़ ए मैनर्स इफ समवन आस्क समथिंग टू अस, यदि हमसे कोई कुछ भी पूछता है वी आर टू आंसर इट, तो हमें उसको उत्तर देना होता है, वेदर बाय स्माइलिंग और बाय स्पीकिंग और बाय वर्ड्स एनी अदर इफ विच विश, जो भी है। दे हैड नो फर्दर मीनिंग, इसलिए लोग बाग इसका कोई अलग अर्थ ना लगाएं। सच ए रिमार्क मियरली वन ऑफ फॉर्मल कर्टसी, सिर्फ और सिर्फ ये एक शिष्टाचार है। वॉज एनफ, और ये पर्याप्त भी है टू ब्रिंग ए ब्लश ऑफ जॉय, कि खुशी का निशान लेके आए टू द डचेस चीक्स, डचेस के गालों पर। शी हैड सच एन इनोसेंट हैप्पी नेचर, क्योंकि उसका इतना भोला भाला और इतना अच्छा स्वभाव था दैट कि शी वॉज ईजीली प्लेस्ड इन दिस वे, कि वो हर तरीके से प्रसन्न हो जाया करती थी। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इस स्टेंजा में जो कि शुरू होता है सर इट वॉज नॉट से लेकर डैश 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 स्पॉट ऑफ जॉय तक, जिसके अंदर हमें तीन क्वालिटीज़ तो डचेस के कैरेक्टर ड्यूक के कैरेक्टर की मिली हैं, और कम से कम पांच क्वालिटीज़ हमें डचेस की मिली हैं। ड्यूक की हमें मिली है जेलेस, शंकालु और घमंडी, और डचेस का हमें मिला है बहुत ही इनोसेंट, फ्रैंक, चार्मिंग, स्माइलिंग, जेनरस एटसेट्रा एटसेट्रा। इस प्रकार ये स्टेंजा जो है इसमें हमें दोनों की कुछ क्वालिटी मिलती हैं। अगले वीडियो में हम अगली स्टेंजा की बात करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा।